जयमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के नई बस्ती इलाके में मौजूद हैं और मेरे साथ आप देखिए कि डीएपी से अश्विनी हांडा जी, संदीप सिंह वजीर एनसी से हैं और भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह जी। 9 जनवरी 2023 को सरकार की तरफ से एक फरमान निकाला गया कि जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाए और आप देखें कि हर जगह आपको पीला पंजा या बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पिछले रोज यहां पर नई बस्ती में इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को नोटिस दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर दुकानें खाली कर दें। अश्विनी जी कैसे देखते हैं जो कल नोटिस आया? देखिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से मायूसी छाई हुई है लोगों के दुकानदारों के चेहरे पे। इसे अंदाज़ा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे वो सपने जो है वो धरातल पर सच साबित नहीं हुए हैं। इन्होंने लोगों के साथ रोज़गार का वादा किया था, 1 लाख रोज़गार देंगे सालाना, उसके हिसाब से 4 साल हो गए हैं तो 4 लाख रोज़गार बनता है। बाद में समझ उसके कि आपने 4 लाख लोगों को रोज़गार देने के बजाय आपने उनको बेरोज़गारी में धकेलने का प्रयत्न किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के आवाम का कसूर क्या है? किस जन्म का बदला जो है वो आप जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ले रहे हैं? आखिर इनका दोष क्या है? जहां आपने वादा किया था इनके साथ रोजगार देने का, आपने इनको बेरोजगार करना शुरू कर दिया है। पवन जी, इनका कहना है कि आपने वादा किया था इनको रोजगार देने का लेकिन बेरोजगार किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है लेकिन इनका इल्ज़ाम जो है भाजपा की ओर है। देश वो तरक्की करता है जिस देश के जो वासी हैं, जो अच्छा काम है उसकी एडवर्टाइज करें बल्कि ना क्रिटिसाइज। जिस देश में क्रिटिसिज्म होगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मसला यहाँ पे क्या है कि ये दुकानदारों को जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से नोटिस आया है उस नोटिस पे विराम लगा है। ये जो पीला पंजा या दूसरी चीज़ें, जहाँ जहाँ कोई बड़े भू माफिया होंगे वो एलजी सरकार का काम है, लेकिन ये जो छोटे गरीब दुकानदार हैं, अगर किसी कारणवश, दुकानें तो यहाँ 100 से ज़्यादा हैं, 7 दुकानों को अगर नोटिस आया है तो कल ही इसका संज्ञान लेके पक्ष रखा गया, उनको बताया गया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये गरीब लोग हैं, यहाँ पे ये जो दुकानदार हैं यहाँ 5-5 परिवार एक दुकान से पल रहे हैं और ये एक एक मरला भी दुकान नहीं है। तो उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को निचले तबके पे इन्फॉर्म किया और आज सुबह 10 बजे तहसीलदार साहब खुद यहां आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी को भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। पवन जी, अदालत ने कहा इलीगल इंक्रोचमेंट हटा दो। जम्मू कश्मीर प्रशासन कह रहा है कि 10-15 मरले तक लोगों को तंग नहीं किया जाएगा लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया जा रहा। सरकार का कहना ही लिखित रूप होता है। अगर सुने पूरी बात, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन हर अथॉरिटी ने, मुझे लगता है कि एलजी यहाँ पे समय सबसे बड़े, अगर उन्होंने कहा है कि आप लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। किस पर विश्वास करना है आपने? ठीक है संदीप जी, कह रहे हैं बीजेपी वाले कि विश्वास करना चाहिए आश्वासन पर। जो भी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में इस समय चल रही है अतिक्रमण को लेकर, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं इनकी बात को मानने से ही परहेज़ है मेरी, क्योंकि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिटिसिज्म ही डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं है या हम किसी को ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगे किसी बात के लिए, वो तो वो रूथलेस हो जाएगा। क्रिटिसिज्म होना बड़ा ज़रूरी है, विराम लगाना होता है पावर को। अगर पावर को आप विराम नहीं लगाएंगे तो वो मनमानी करेगी और मनमानी आज हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने लोगों को बसाने की बात की है, हमने लोगों को रोज़गार देने की बात की है, गरीब को उसका झोंपड़ा बनाने की इजाज़त भी हमने दी हुई है उन, ताकि कोई अपना रोज़गार खुद कर सके। बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लेकिन कभी किसी का घर या रोज़गार उजाड़ा नहीं गया है। यहाँ तक बिजली की भी बात है तो बिजली भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में कोड़ियों के दाम पर लोगों को दी जाती थी और अगर कोई गरीब नहीं भी असमर्थ भी था तो उसकी भी मदद की जाती थी। जी, आपको क्या लगता है कि जो अदालत ने फैसला लिया है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का वो सही है? उस बात पे आ रहा हूँ,
अब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की जा रही है, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, गरीबों की ज़िंदगी के को ख़त्म करके तो उसकी डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट किस लिए है? ये एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। झोंपड़े साफ करके वेलफेयर होती है क्या? बड़े बड़े शोरूम हैं और भी बड़े, जिनके बड़े बड़ी लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, रोज़ आते हैं, जाओ तोड़ो, जाके तोड़ के बताओ। बस चलता है जाके गरीब के ऊपर, पानी हमेशा निचली साइड जाता है ना, तो वो नीचे गरीब ही खड़ा हुआ है। ठीक है हाटा जी, क्या लगता है दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है इस अतिक्रमण हटाने को लेकर? देखिए, हमें लगता है कि उपराज्यपाल प्रशासन और नीचे के अधिकारी शायद उपराज्यपाल प्रशासन का जो ऑर्डर है उसको नहीं मानते हैं। जब स्वयं गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जब ये कहते हैं कि किसी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, एक मरला, दो मरले, पांच मरले, पंद्रह मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का भय पैदा करना चाहते हैं लोगों के अंदर? कार्रवाई तो उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो लोग इस तरह का ऑर्डर निकाल के लोगों को भयभीत कर रहे हैं। प्रश्न ये है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जहाँ सुनाई जाती है, ना ही अधिकारी जो है वो उपराज्यपाल का, प्रशासन का जो ऑर्डर है वो मानते हैं। तो मान कौन रहा है और कौन कर रहा है, ये इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर लोगों के अंदर डर कौन पैदा कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है, इन्होंने कहा, पार्षद हैं हमारे भाई हैं बड़े, इन्होंने एक बात बोली कि तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वस्त कर दिया कि भाई अब ज़रूरत, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि अगर नोटिस रिटर्न में आया है, या तो वर्बल नोटिस होता तो वो वर्बल बात हो गई, वर्बल बोला, वर्बल वापस हो गया। अब रिटर्न में नोटिस आया है तो ऑर्डर भी रिटर्न में आ जाए तो क्या परेशानी है? पवन जी, संदीप जी कह रहे हैं कि अगर तोड़ने का ऑर्डर रिटर्न में आया है तो नहीं तोड़ने का ऑर्डर भी रिटर्न में आना चाहिए। और जिस तरह से हांडा जी ने कहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है, इनका कहना है कि भाजपा की भी जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं सुन रही। जम्मू कश्मीर को जो चला रहा है वो आपके सामने है, और लोगों का अस्वस्थ करना, कौन अस्वस्थ करेगा? सरकार में नुमाइंदे कि इनके ऊपर किसी की बुरी नज़र ना लगे, इनको रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। अब अगर नोटिस आ गया है तो उसका भी प्रबंध करना चाहिए, उसकी रोकथाम करनी चाहिए, बजाय कि उसको कोई राजनीतिक रंग देने के। राजनीति करनी चाहिए जब जिसकी ज़रूरत हो, जब लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ होगा तब राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस दिन मैं भावना से खिलवाड़ करना शुरू करूंगा उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम लोगों के साथ खड़े हैं इनके वेलफेयर के लिए। अगर इनकी दुकानें जाती हैं, अगर इनकी नींद हराम हुई है, तो पवन सिंह भी कल से सोया नहीं है। इसलिए हमारा सारा समाज, ये मेरे भाई छोटे, ये मेरे क्लासमेट हैं, हम सब इन लोगों के साथ हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोदी राज है, गरीब आदमी को नुकसान नहीं होगा। हांडा जी, ये जो इस समय इलीगल इंक्रोचमेंट हटाओ नुमा जो एक निकाला गया है बाहर, क्या लगता है 2024 को लेकर निकाला गया जो इलेक्शन है? देखिए, सरकार की मंशा पे शक होता है कि सरकार आकर करना क्या चाहती है। किसी का घर उजाड़ के सरकार उस पर मंजिल तो नहीं खड़ा करना चाहती, प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और बुलडोजर लगातार चल रहा है, आप इस बात को समझिए कि बुलडोज का मीनिंग, इंग्लिश का अर्थ जो हिंदी में बनता है वो होता है भयभीत करना। तो क्या सरकारी आंतक फैलाना चाहती है सरकार? क्या 2024 की तैयारी तो नहीं कर रही है सरकार कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इस तरह की पड़ताड़ना करके आप हिंदुस्तान के अंदर यह बताएंगे कि देखिए हमने क्या किया है? मैं आपके माध्यम से बड़ी साफ सुथरे तरीके से बताना चाहता हूं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, 1947 से लेकर आज तक इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर का, कभी भी धर्म के नाम पर दंगा नहीं हुआ है। जिस तरह के बाकी प्रदेशों में दंगे होते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये सब लोग हिंदू, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मंशा ये है कि 2024 में हम इसको बुनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूल कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 2019 5 अगस्त को
ये वादा किया था कि यहाँ विकास की लहर दौड़ेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाकर क्या वो लहर की तैयारी कर रहे हैं? माफ़ कीजिए उपराज्यपाल प्रशासन, दुख होता है इस बात का कि ना तो आपके अधिकारी सुनते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उपराज्यपाल सुनते हैं। ठीक है, लोग परेशानी में हैं, लोगों की परेशानी का हल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे लोगों को आके ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उपराज्यपाल प्रशासन उसका लिखित में दे ताकि लोग इस शंका से जो हैं वो राहत महसूस करें। और जो भी आप अगर आप मीडिया के अंदर बयान देते हैं तो उस पर जो आपके छोटे अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करें, ना कि लोग इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करके इस तरह से नोटिस लगा के। आप ये दो दिनों से लोग जो है वो परेशान हैं, जब से नोटिस आया है ये अपना काम धंधा बंद करके इस चक्कर में पड़ गए हैं और इनको डर बैठ गया है, रात को नींद नहीं आती है, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है इस डर से कि कल मेरे दुकान पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा। तो आखिर आप पाना क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आप विकास कीजिए और लोगों को दिखाइए, लोग आपको वोट देने के लिए तैयार है अगर आप विकास करते हैं। संदीप जी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से इल्ज़ाम है कि जो पिछली सरकारें रही उनकी मिली भगत से जो इंक्रोचमेंट हुई है जो आज हटाई जा रही है, आप क्या अपनी बात कैसे रखते हैं? देखिए सर, अब पिछली सरकारों पे ब्लेम डालना ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्राइम ऑब्जेक्टिव काम रहा हुआ है। कुछ भी हुआ वो नेहरू तक चले जाते हैं कि वहाँ नेहरू ने गलती थी तो ये हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। अगर आपने अच्छा, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इन लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है या आप इनको हटाना चाहते हो, आप इनको रिहैबिलिटेट भी करो, आप इनको बताओ कि भाई आप यहाँ से निकल आइए, ये हमने आपके लिए प्लॉट्स रखे हुए हैं, यहाँ दुकान बना लीजिए क्योंकि ये जगह गवर्नमेंट को चाहिए है फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। हर जगह ऐसा होता है, वो इनको लीगल दुकान दे दो, आप उनसे फीस ले लो, लीगल दुकान दे दो, तब इनको यहाँ से हटाओ और नई जगह बसा दो। लेकिन आज तक ना सिर्फ कहा जाता है कि हम आपको वहाँ पर बसा देंगे, कभी बसाया नहीं गया है। एयरपोर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन लोग आज भी दरबदर हैं, सिर्फ कहा था वहाँ आपके प्लॉट हैं, किसी को मिला नहीं। ऐसे ही लोग यकीन नहीं करते ना सर, आज की गवर्नमेंट पे नहीं यकीन किया जाता क्योंकि कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं फिलहाल के लिए इनको यहाँ रहने दिया जाए, इनको अपनी रोज़ी रोटी, गरीब लोग हैं, या तो हो कोई बड़ा शोरूम का मालिक है जिसने करोड़ों रुपया कमाया हुआ है तो उसको आपने हटा दिया, वो कहीं भी अपना जाके दोबारा से एस्टेब्लिश कर लेगा, ये तो नहीं कर सकते ना। ठीक, बहुत अच्छी बात। ये आपने देखा कि यहाँ नई बस्ती में हम लोग आए थे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह जी, संदीप जी हैं जो एनसीजी से थे वो थे, अश्विनी हांडा जो डीएपी से थे, इन तीनों से हमारी बात हुई और आम पब्लिक ही आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटा दें, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब ये दुकानें बनी तो सरकार की मिली भगत से बनी, तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए, ना कि इनको यहाँ से हटाया जाए। और तीनों पार्टियों के जो नेता थे उनका भी यही कहना है कि जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें तंग मत किया जाए, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें मत छोड़ा जाए। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से, आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।